नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने पिछले 4 दशकों से देश की राजनीति पर छाए रहे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में एकमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार को विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए एक न्यास का गठन करने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आदेश दिया। देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद इंतजामों के बीच सुनाए गए इस फैसले से दशकों से चले आ रहे विवाद के समाधान के साथ विवादित स्थल पर राम मंदिर तथा वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस मामले के हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों और दोनों समुदाय के संगठनों ने आमतौर पर इसका स्वागत किया है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने भी फैसले को देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को मजबूत करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया है और इसे किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम भक्ति हो या रही भक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने का है। अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वह विवादित जमीन को मंदिर के लिए देने से जुड़े फैसले से असंतुष्ट है और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड के सचिव एवं वकील जफर याब जिलानी ने संवाददाताओं से कहा कि फैसले के कुछ बिंदुओं, खासकर जमीन देने की बात से हम असंतुष्ट हैं। हम विचार करेंगे कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी है या नहीं। उन्होंने मस्जिद के लिए 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने को लेकर कहा कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं हो सकती। जिलानी ने कहा कि यह मुकदमा किसी की जीत और हार नहीं है और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के 40,000 से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना BRS का विकल्प अपना चुके हैं। कंपनी ने 3 दिन पहले ही इस योजना की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक PK पुरवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले महीने ही BSNL और महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड MTNL के पुनरुद्वार के लिए 69,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों कंपनी का विलय करना, उनके परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करना, कर्मचारियों को BRS देना इत्यादि शामिल है। इसका मकसद संयुक्त कंपनी को 2 साल के भीतर लाभ में लाना है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत को झटका देते हुए उसके क्रेडिट रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया। उसने कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर जारी सुस्ती को दूर करने में आंशिक रूप से नाकाम रही है। इसके चलते आर्थिक वृद्धि के नीचे बने रहने का जोखिम बढ़ गया है। मूडीज ने भारत के लिए दीर्घावधि में स्थानीय मुद्रा जारी करने की रेटिंग और विदेशी मुद्रा रेटिंग को BAA2 रखा है। ये निवेश के लिहाज से दूसरा निचला ग्रेड स्कोर है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3.7% पर रहने का अनुमान है। यह सरकार के राजकोषीय घाटे में 3.3% पर रखने के लक्ष्य से काफी नीचे है। सुस्त आर्थिक वृद्धि और कॉरपोरेट कर में अचानक की गई कटौती से राजस्व वृद्धि कमजोर रहने का अनुमान लगाया गया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज़। धन्यवाद।